भोपाल स्थित सुख शांति भवन ब्रह्मा कुमारीज मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में विशाल अनुभूति सभागार का उद्घाटन किया गया। नवनिर्मित अनुभूति सभागार का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह अद्भुत स्थान है, यहाँ अंदर आते ही सुख और शांति का अनुभव होता है। ब्रह्म कुमारीज मेडिटेशन रिट्रीट सेंटर में विशाल अनुभूति सभागार का उद्घाटन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा, राजयोगिनी वीके जयंती दीदी, राजयोगी वीके ब्रजमोहन भाई और वीके मृत्युंजय भाई, वीके नीता दीदी मौजूद रही। लंदन से पधारी ब्रह्म कुमारी की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका संस्थान के विदेश स्थित शाखाओं की समन्वयक राजयोगिनी जयंती दीदी ने बताया कि यह कन्याएं अपने त्याग, तपस्या और सेवा से अनेकों के जीवन परिवर्तन के लिए निमित्त बनेंगी। स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का मंत्र जीवन में धारण करने वाली यह शिव शक्तियां अनेकों के कल्याण का कारण बनेगी। यही वह चैतन्य ज्ञान गंगाएं हैं जो भोपाल ही नहीं वरन सारे विश्व के जन जन के मन को पावन बनाने का पुनीत कार्य करेंगे। कार्यक्रम में चारों ही कन्याओं ने समर्पण की प्रतिज्ञा की। ब्रह्म कुमारी सुख शांति भवन की संचालिका वीके नीता दीदी ने समर्पण की प्रतिज्ञा का वाचन किया और समर्पित होने वाली कन्याओं ने उसको दोहराया। उसके बाद कन्याओं के अभिभावकों को मंच पर बुलाया गया। उन्होंने कन्याओं का हाथ आदरणीय राजयोगिनी वीके जयंती दीदी जी के हाथ में दिया, जिसके बाद चारों कन्याओं को ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह अद्भुत स्थान है, यहाँ आने से ही सुख शांति का अनुभव हो रहा है। उन्होंने कहा, अंदर की शांति होना जरूरी है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।